आया होगा। जय साहब जो है वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है शायद, या शायद आपके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है उनके पास वीरेश। हाँ, लेकिन जी, एक जी, लेकिन लेकिन एक एक डॉक्टर मतीन अहमद जो फ्लैट खरीदा, पुलिस फोर्स बढ़ गई। जी जी, डॉक्टर मतीन अहमद जो अभी बात कह रहे थे कि उन्होंने 3 फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराई है वीरेश, और रजिस्ट्री अगर कराई है तो ये मामला फिर और पेचीदा हो जाता है वीरेश। अगर इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो गई है तो फिर ये मामला और पेचीदा हो जाता है, ये मामला और गहन हो जाता है। रजिस्ट्री कैसे हो गई, कैसे रजिस्ट्री की अनुमति मिल गई, कैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बगैर रजिस्ट्री संभव नहीं है। रजिस्ट्री हो जाने का मतलब कई जगहों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला। राजेंद्र एक बात बताऊं कि ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई, कैसे रजिस्ट्री होती है, इस घन चक्कर में आज तक पड़ा ही नहीं क्योंकि इतनी हैसियत नहीं हुई। लेकिन ये जेई साहब की हैसियत जरूर होगी, इनसे जरूर पूछूंगा ये रजिस्ट्री कैसे इस इलीगल बिल्डिंग की हो गई है। जेई साहब, ये रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, इसको आप हो रहे थे गा रहे थे रजिस्ट्री तो सुन सही चीज मतलब आप आशीर्वाद मेहनत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, देना था उसको तो दे दिए। कितनी बड़ी बड़ी तीन साहब, आप कौन है आप भैया? ये जूनियर इंजीनियर है भाई। भैया आप जूनियर इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, आइए, आवाज़ नहीं आ रही, इनसे बात करेंगे। सुनिए, ये बताइए भैया जी, ये इलीगल है इसीलिए तो गिर रही है, पूछो इनसे, ये इलीगल है तभी तो गिर रही है, पूछो। अच्छा, तो रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? अरे नहीं, ये बताओ वो जो बना रहा अपनी अलग दीवार कैसे खींच दी गई? अच्छा, वो कैसे दीवार खड़ा कर दिया? पार्ट लैंड का पार्ट है, वो इलीगल है, क्यों नहीं गिराई जा रही है? एक चीज बताइए कि ये रजिस्ट्री कैसे हो गई, दर्शक जानना चाहते हैं, ये पुलिस फोर्स आपने लगा दिया है, आप बताइए हम कैसे काम करें? चारों तरफ पुलिस 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 और पुलिस, चारों तरफ सुरक्षा कर्मी, और देखिए ये देखिए बिल्डिंग के अंदर भी छेद कर दिया इस बुलडोजर बाबा ने। दिखाओ भाई बिल्डिंग के अंदर कैसे छेद होता है, बहुतों ने नहीं देखा होगा, घर बहुत लोगों ने बनवाया होगा छेद करते हुए, किसी को बिल्डिंग को बहुत कम लोगों ने गिरते हुए देखा होगा। साहब, अरे ये बताइए ये गलत जो बिल्डिंग है उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? धैर्य की परीक्षा बताइए। बहुत भाई साहब गजब आदमी, एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत भैया। अरे आप मेरी बात सुनाइए। नहीं, तो आप बताइए इनको, ये पूछे इनसे प्रश्न कीजिए कि ये जमीन और वो जमीन एक ही है, 27,000 फर्ज कर रुक जाइए, 27,000 स्क्वायर फीट की क्या है? बहाना पकड़ करो, चलो यहाँ सब ये बाहर करवा दूँगा, बहाना पकड़ो, पीछे क्यों पकड़ेंगे, बाँ पकड़ेंगे हमारा लिखता है पूरे तौर पर एनडीए की, पूरे तौर पर इनकी संलिप्तता है, यही तो पैसा लेके दिलाते थे। जरा जोखिम लेना पड़ेगा बेटा, दिखाओ ये कैसे छेद हो रहा है, दर्शकों को दिखाना पड़ेगा ना, ये देखो कैसे छेद हो रहा है। ओहो, थोड़ा तो पत्रकारिता में जोखिम होता ही। आओ बेटा इधर दिखाओ इसको, ये देखो ये कैसे छेद करते हुए बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, और दूसरी तरफ, और ये देखिए हथौड़े चलाए जा रहे हैं, ये हथौड़े चलाकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। 5 बजे का समय है और पूरी फोर्स लगा दी गई है यहाँ पर। तोड़ो भैया, तोड़ो, दिखाओ कि कैसे टूटता है, बनाते हुए तो सबने देखा होगा अपने घर बनाने को, बहुत सारे जो शायर हैं उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिख दिया है इस पर, रातें बताइए, देखिए कैसे टूट रहा है, देखिए ये किसी का आशियाना है, किसी का घर है, किसी की रजिस्ट्री है, किसी के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं, और कैसे बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्ट तंत्र है। बुलडोजर बाबा का कोई दोष नहीं है, बुलडोजर बाबा ने तो कहा ही था कि सत्ता में हम आएंगे और 10 मार्च तक बुलडोजर खड़ा रहेगा। बुलडोजर बाबा ने कहा था कि 10 मार्च तक सर्विसिंग में है बुलडोजर, और बुलडोजर 10 मार्च के बाद निकल चुका है, सर्विसिंग से निकल चुका है, और गड़गड़ गड़गड़ तड़ 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 करते हुए 6 मंजिली
ये जो इमारत है वो जमींदोज होने के करीब है, और जो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर है वो तड़तड़ाहट के साथ, गड़गड़ाहट के साथ लखनऊ की राजधानी और मुख्यमंत्री आवास से 1 से 1.5 किलोमीटर के दरमियान इस भ्रष्टतंत्र की बनी हुई बिल्डिंग को गिराने और जमींदोज करने, और जो जनता से उन्होंने वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं बुलडोजर बाबा। जी हाँ, बुलडोजर बाबा के नाम से खुश होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव भी लड़े उन्होंने, बुलडोजर का शासन और गरीबों का राशन फिट कर गया, ऐसा मान्यता है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका। और यही वजह है कि ये जमींदोज होता हुआ ये हथौड़े चल रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं मजदूर काम कर रहे हैं, और थोड़ा थर ये बिल्डिंग 5 बजे तक गिराई जानी है। और ये वीरेश अपना भी ध्यान रखिए आप, चूंकि वहां पर लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है और आप उस डिमोलिशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल उसके केंद्र में है, तो आप अपना और जो आपके सहयोगी कैमरामैन है उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर लगातार हर तरफ से जो है डिमोलिशन हम देख पा रहे हैं। हथौड़े से भी है, छत भी तोड़ी जा रही है, बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, सारे उपकरण वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए। और वीरेश ये प्रश्न तो है, जो पीड़ित वहां पर फ्लैट खरीदार हैं उनका दोष यहाँ पर प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आता है, और उनकी जो पीड़ा है वो आप दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। कईयों के आंखों में आंसू हैं, कईयों ने अपनी गाड़ी कमाई से वहां पर फ्लैट खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली है और अब वो नष्ट हो रहा है, तो उनके प्रश्न भी है अपनी जगह, और इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये दोनों चीजें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये देखिए कैसे सवाल तो जी, और ये देखिए कैसे बुलडोजर घूम रहा है। अब ये बुलडोजर दूसरा निशाना लेगा, दूसरी जगह तोड़फोड़ करेगा, दूसरी जगह गिराएगा और आगे पीछे कर रहा है। देखिए सेटिंग की जा रही है, बुलडोजर बाबा फिर चले हैं। अब बुलडोजर के जो सवारी करने वाले हैं वो भी बैठे हुए हैं, बहुत लाइन लेंथ लगा के एकदम आगे बढ़ा रहे हैं और जाके ऐसा लेंगे निशाना कि उसके पास की गर 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 डी 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 करके ये बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। और 5 बजे तक की सीमा है, 5 बजे तक इसे जमींदोज करना है। देखिए ये कैसे भ्रष्ट तंत्र को गिरा रहे हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा ने कहा था कि 10 मार्च तक सर्विसिंग में है बुलडोजर, अब उनके सारे बुलडोजर निकल चुके हैं और बहुत सारी जेसीबी निकल चुकी हैं और वो भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। और ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके घर से, जो बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत फेमस हैं, और 1.5 किलोमीटर के अंदर दरमियान ये देखिए 6 मंजिला कैसे बिल्डिंग खड़ी है, रंगाई पुताई रजिस्ट्री सब हो गई बिल्कुल, और उसी मतलब बिल्डिंग भ्रष्टाचार का कोई और छोर नहीं है। शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और बताने के लिए किस तरीके से सर्विसिंग वाले बुलडोजर अब जमीन पर